राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने आतंकी संगठन आईएसआईएस के हमलों की साजिश को लेकर बड़ा खुलासा किया है। जांच एजेंसी के मुताबिक अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के दिन बड़े हमले की योजना बनाई गई थी। एनआईए ने बताया कि आरोपियों ने इस दिन कई धमाके करने की साजिश रची थी। अब इस खुलासे ने सभी अधिकारियों को भी हैरान कर दिया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। इस खास प्रोग्राम पर्दाफाश में आपका स्वागत है। पर्दाफाश में बात होगी राम मंदिर समारोह के दिन बीजेपी ऑफिस पर होने वाले बड़े हमले की। राम मंदिर उद्घाटन से नाराज होकर बम विस्फोट, एनआईए की चार्जशीट में हुआ बड़ा खुलासा। भाजपा कार्यालय को उड़ाने की थी साजिश, आईएसआईएस ने धमाके के लिए बनाया खतरनाक प्लान। भारत के अंदर आईएसआईएस की खतरनाक साजिशों का खुलासा कई बार हो चुका है, लेकिन इस बार जो खबर सामने आई वो आपका होश उड़ा देगी। दरअसल बेंगलुरु के रामेश्वरम कैफे में 1 मार्च को हुए आईईडी ब्लास्ट मामले में नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने 4 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। इन चारों के नाम है मुसव्विर हुसैन शाजिब, अब्दुल मतीन अहमद ताहा, माज मुनीर अहमद और मुजमिल शरीफ। एनआईए की तरफ से जारी बयान के मुताबिक ताहा और शाजिब को उनका हैंडलर क्रिप्टो करेंसी के जरिए फंड भेजता था। इन फंड्स के इस्तेमाल से आरोपियों ने बेंगलुरु में कई आतंकी गतिविधियों को अंजाम दिया था। इसमें बेंगलुरु के मलेश्वरम स्थित भाजपा के प्रदेश कार्यालय पर किया गया आईईडी हमला भी शामिल है, जो नाकाम हो गया। यह हमला 22 जनवरी को अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर किया गया था। इसी के बाद आरोपियों ने रामेश्वरम कैफे में ब्लास्ट की प्लानिंग। साजिब की मदद करने वाला 26 मार्च को गिरफ्तार किया गया था। एनआईए ने इस मामले में 3 मार्च को इन्वेस्टिगेशन शुरू किया था। जांच के दौरान एनआईए ने राज्य पुलिस अधिकारियों और अन्य एजेंसियों के साथ मिलकर कई तकनीकी और फील्ड इन्वेस्टिगेशन किए थे। 23 मार्च को एनआईए ने साजिब और ताहा की पहचान की। जांच में सामने आया था कि साजिब ने ही कैफे में बम रखा था। एनआईए ने बताया था कि साजिब और ताहा दोनों ही आईएसआईएस मॉड्यूल का हिस्सा है। इनकी पुष्टि मॉड्यूल के सदस्यों ने भी की थी, जिन्हें पहले गिरफ्तार किया गया था। 2020 में अल हिंद मॉड्यूल का पर्दाफाश होने के बाद दोनों पुलिस से छिपते फिर रहे थे। ताहा तमिलनाडु पुलिस इंस्पेक्टर के विल्सर्स की हत्या के मामले में वांटेड था और चेन्नई में मुख्य संदिग्ध के साथ रहा था। एनआईए ने 26 मार्च को चिंगमपुरु के रहने वाले मुजम्मिल शरीफ को गिरफ्तार किया था। मुजम्मिल ने शाजिब और ताहा को ब्लास्ट से जुड़ा सामान मुहैया कराया था। मुजम्मिल को पकड़ने के लिए एनआईए ने 3 राज्यों कर्नाटक, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में छापेमारी की थी। वही तलाशी के दौरान कुछ कैश के साथ कई डिजिटल डिवाइस भी जब्त किए गए थे। एनआईए ने लगातार शाजिब और ताहा की तलाश की, तब जाकर कैफे ब्लास्ट के 42 दिन बाद वे पश्चिम बंगाल से मिले। मुस्लिम युवकों को आईएसआईएस में जोड़ते थे ताहा और शाजिब। एनआईए ने कहा कि दोनों आरोपी अन्य मुस्लिम युवाओं को आईएसआईएस की विचारधारा में कट्टरपंथी बनाने में सक्रिय रूप से शामिल थे। उन्होंने जिन युवाओं का आईएसआईएस में शामिल किया गया था उसमें माज मुनीर अहमद और मुजमिल शरीफ शामिल थे। ताहा और शाजिब ने धोखाधड़ी से सिम कार्ड हासिल किया था और बैंक अकाउंट भी खुलवाया था। उन्होंने डार्क वेब से डाउनलोड किए गए भारतीय और बांग्लादेशी आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स का भी इस्तेमाल किया। आरोपी ने कैफे में इडली ली, पेमेंट किया और डस्टबिन के पास रखा बैग मामले की जांच के दौरान सीसीटीवी फुटेज में दिखा कि मास्क लगाते हुए एक व्यक्ति कैफे के पास बस से उतरता है और 11:30 बजे कैफे में दाखिल होता है। आरोपी की उम्र 25 से 30 साल के बीच है। वह एक बैग लेकर आता है कैफे में, उसने इडली ऑर्डर की, काउंटर पर पेमेंट करके टोकन लिया। इसके बाद 11:45 में बैग को डस्टबिन के पास रखकर चला जाता है। 1 घंटे के बाद इसी बैग में टाइमर के जरिए धमाका हुआ, जिसमें 9 लोग घायल हुए। ब्लास्ट के बाद बैटरी, जला हुआ बैग और आईडी कार्ड मिले। घटना के बाद सबसे पहले फायर ब्रिगेड और व्हाइटफील्ड पुलिस ने बताया था कि सिलेंडर में विस्फोट हुआ है। उन्होंने कहा कि जब मौके पर पहुंचे तो कैफे की दीवार पर लगा शीशा टूटकर टेबल पर बिखरा हुआ था। भाजपा ने विस्फोट पर संदेश जताया और बम ब्लास्ट का दावा किया था। शाम 5:30 बजे के करीब खुद सिद्धारमैया ने यह कहा कि यह एक लो इंटेंसिटी का आईडी ब्लास्ट था। एक शख्स कैफे में बैग छोड़कर गया, जिसके बाद यह ब्लास्ट हुआ। इससे पहले 9 अगस्त को दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने आईएसआईएस के एक आतंकी को गिरफ्तार किया था। उसकी पहचान रिजवान अली के रूप में हुई। रिजवान दिल्ली के दरियागंज का रहने वाला है। पुलिस के अनुसार रिजवान आईएसआईएस के पुणे मॉड्यूल का हिस्सा था और नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी कि एनआईए की मोस्ट वांटेड लिस्ट में शामिल था। वह 2023 में पुणे पुलिस की कस्टडी से भागा था। एनआईए ने रिजवान पर 3 लाख रुपए का इनाम भी घोषित किया था। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक रिजवान को सुबह दिल्ली फरीदाबाद बॉर्डर से हथियारों और गोला
गोला बारूद के साथ पकड़ा गया था। स्वतंत्रता दिवस से पहले राजधानी में उसकी मौजूदगी की जांच की गई थी। उसके खिलाफ UAPA के तहत केस दर्ज किया गया। NIA ने आतंकी मामलों में फरार वांटेड के साथ रिजवान अली की तस्वीर भी जारी की थी। इनमें कुल 4 आतंकी थे। इनमें से मोहम्मद शाहनवाज को पिछले साल सितंबर में गिरफ्तार किया गया था। अब्दुल्ला फयाज उर्फ डायपर वाला अभी फरार था। तलहा लियाकत को लेकर अभी कोई जानकारी नहीं आई। रिजवान के नेटवर्क को खत्म करने के लिए दिल्ली पुलिस ने छापेमारी जारी रखी। वहीं दिल्ली में 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम से पहले रिजवान की गिरफ्तारी अहम मानी गई। उसने एक दिन पहले ही दिल्ली पुलिस के जवानों ने खान मार्केट के पास अलकायदा और खालिस्तान से जुड़े आतंकियों के पोस्टर लगाए थे। पोस्टरों में 15 आतंकियों का जिक्र था, जिनमें से 6 अलकायदा से जुड़े थे। बता दें कि जनवरी 2024 में ही महाराष्ट्र में ISIS मॉड्यूल केस में गिरफ्तार किए गए 6 आरोपियों को लेकर नए खुलासे हुए। NIA ने अपनी चार्जशीट में बताया कि आरोपियों ने भोले भाले मुस्लिम युवाओं को आतंकी संगठन में भर्ती करने की प्लानिंग बनाई थी। भारत में आतंकी घटनाओं को अंजाम देने के लिए मुस्लिम युवाओं के बीच प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा था। इसके लिए महाराष्ट्र के ठाणे जिले के बोरीवली में कई बैठकें की गई। इस बैठकों में ISIS की गतिविधियों को लेकर अंजाम देने की प्लानिंग बनी। सभी आरोपी प्रतिबंधित आतंकी संगठन ISIS के सदस्य हैं। उनका मकसद भारत की सुरक्षा, संस्कृति और लोकतांत्रिक प्रणाली को खतरा पहुंचाना था। वे देश के लोगों के बीच भय और आतंक पैदा करना चाहते थे। NIA ने 2023 के जुलाई में महाराष्ट्र के अलग अलग ठिकानों पर रेड मारी थी। इस दौरान आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था। इनकी पहचान अदनान अली सरकार, ताबिश सिद्दीकी, जुल्फिकार अली, शर्जिल शेख, आफिक अतीक नाचन और जुबेर शेख के रूप में की गई। 28 दिसंबर को NIA स्पेशल जज AK लाहोटी की कोर्ट में आरोपियों के खिलाफ 4000 पन्नों की चार्जशीट दायर की गई। इस चार्जशीट में 16 गवाहों के बयान को आधार बनाया गया। इसमें कहा गया कि आतंकी अपने सहयोगियों के साथ किट शेयर कर रहे थे, साथ ही आतंकी योजनाओं के लिए धन जुटा रहे थे। उन्होंने कुछ युवाओं की भर्ती भी की और उन्हें IED और छोटे हथियार बनाने की ट्रेनिंग दी। इस साल 18 जुलाई को पुणे में 2-व्हीलर चुराने के मामले में पुणे पुलिस ने शाहनवाज और मध्य प्रदेश के 2 लोगों को, मोहम्मद इमरान खान और मोहम्मद साकी को गिरफ्तार किया था। जब पुलिस पूछताछ के लिए उन्हें उनके ठिकाने पर ले जा रही थी तो शाहनवाज पुलिस की गाड़ी से कूदकर फरार हो गया था। दादी की मोहम्मद इमरान खान और मोहम्मद साकी से पूछताछ के दौरान पता चला कि दोनों सूफा टेररिस्ट गैंग का हिस्सा है। अप्रैल 2022 में राजस्थान में एक कार में विस्फोटक मिलने के मामले में वहां के पुलिस इन्हें ढूंढ रही थी। तब पुलिस ने इस मामले को पुणे ISIS मॉड्यूल केस का नाम दे दिया। इस केस में पुलिस ने 3 और आतंकियों को मोस्ट वांटेड लिस्ट में रखा था। इनके नाम है पुणे का तलहा लियाकत खान और दिल्ली का रिजवान अब्दुल हाजी अली और अब्दुल्ला फयाज शेख। दिल्ली पुलिस ने आतंकी शाहनवाज को 2 अक्टूबर को पकड़ा। दिल्ली पुलिस ने 2 अक्टूबर को शाहनवाज को जयपुर से पकड़ा था और उसके पास से केमिकल पदार्थ और आईडी बनाने में इस्तेमाल होने वाला मटेरियल भी मिला था। शाहनवाज की पत्नी पहले हिंदू थी, उसका धर्म बदलवाकर इस्लाम कबूल करवाया। उसने अपना नाम मरियम रख लिया। वह भी पति का साथ दे रही थी। फिलहाल शाहनवाज की पत्नी और बहन दोनों अंडरग्राउंड है, उसकी भी तलाश की जा रही है। वहीं NIA ने बताया कि इमरान यूनुस और शाहनवाज के लिंक पुणे की IT फर्म में काम करने वाली इंजीनियर जुल्फिकार अली बोडवाला से है। जुल्फिकार को 3 जुलाई को गिरफ्तार किया गया था। वो मुंबई की ऑथर रोड जेल में बंद था। जुल्फिकार ही इस केस का मास्टरमाइंड और फाइनेंसर है। उसने इमरान यूनुस और शाहनवाज को ट्रेनिंग दिलवाई और पैसे तक पहुंचाए थे। इमरान तक पैसे पहुंचाने वाला कदीर दस्तगीर पठान भी पुलिस की गिरफ्त में है। डॉक्टर अदनान गरीब नौजवानों को ISIS में शामिल करा रहा था। चारों से पूछताछ हुई तो डॉक्टर अदनान अली सरकार का नाम सामने आ गया। NIA ने उसके फ्लैट पर छापा मारा तो ISIS से जुड़े डॉक्यूमेंट मिले। इससे पता चला कि उसका संबंध ISIS से है। इसमें गरीब नौजवानों को आतंकी संगठन से जोड़ने की डिटेल भी थे। इसके अलावा 4 आरोपियों से यहूदी कम्युनिटी सेंटर की फोटो मिली। इससे साफ हो गया कि ISIS के निशाने पर भारत ही नहीं इसराइल के लोग भी थे। इसके बाद मुंबई पुलिस ने कोलंबा में चाबड़ हाउस की सिक्योरिटी बढ़ा दी। 26 नवंबर 2008 को मुंबई पर हुए आतंकी हमले के दौरान चाबड़ हाउस पर भी अटैक हुआ था। आतंकियों से पूछताछ में पता चला कि उन्हें अलग अलग तरीकों से अटैक करने की ट्रेनिंग दी गई। बम ब्लास्ट का ट्रायल पुणे, कोल्हापुर और सतारा के जंगलों में किया गया। जंगल में ये टेंट बनाकर रहते थे। ये ड्रोन के जरिए एरियल ब्लास्ट की टेक्निक भी सीख रहे थे। तो इस तरह से कई बार NIA ने बड़े खुलासे किए हैं, जिसके बाद इनके असली मंसूबों से पर्दा उठा है। पर्दाफाश में फिलहाल के इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूँ। मैं लोगों के बीच रहता हूँ, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूँ। पब्लिक
पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता है। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। ना कोई दौड़ ना कोई रेस, कैपिटल